सब्कुम डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लासेज़ पिटासी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आज जो हमने डिस्कस करना है वो है नेस्टेड और लॉजिकल ऑपरेटर तो सबसे पहले हम नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हैं और फिर नेस्टेड इफ़ से बचने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं और किस लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरह यूज़ किया जाता है या उसकी मीनिंग क्या है तो ऑलरेडी हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस भी कर चुके हैं तो आज फिर दोबारा डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए तो सबसे पहले हम नेस्टेड इफ़ की बात करते हैं अगर नेस्टेड इफ़ की बात की जाए तो जैसे कि इफ़ के बारे में आप जानते हैं कि ये सिलेक्शन uh, स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम कंडीशन uh, की बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि आया ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी तो इसी तरह ये एल्स के अंदर भी हमने देखा कि इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी वो एक भी हो सकती है मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं और एल्स में हमने रख के देखा था कि अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली एल्स वाला पोर्शन जो है वो एग्ज़ीक्यूट होगा तो इस तरह हमारी क्राइटेरिया बे, बेस पे जो स्टेटमेंट uh, है वो एग्जीक्यूट होती हैं चाहे ऑलरेडी लिखी हुई होती हैं लेकिन जो उनकी एग्जीक्यूशन की सिलेक्शन है वो क्राइटेरिया बेस बन जाती है तो इसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम नेस्टेड इफ को देखते हैं तो अगर आपको इफ़ का सेंटेक्स और उसकी एग्जांपल याद हो तो नेस्टेड इफ समझना मुश्किल नहीं है इफ़ के अंदर हमने सेंटेक्स ऐसे देखा था कि इफ़ कंडीशन और उसके बाद अगर हमारी सिंगल स्टेटमेंट है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट ब्लॉक और अगर ये सन्टेक्स हमारा क्या हो मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ हो यानी इफ़ कंडीशन का जो हिस्सा हो वो मल्टीपल स्टेटमेंट हिस्सा हो तो उसको कैसे हम लिखेंगे उसका जो सेंटेक्स है वो सिंपल ये है कि इफ़ कंडीशन और सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है उसके अंदर ब्लॉक बनाना होता है इसके अंदर हमारी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं स्टेटमेंट वन सॉरी सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के एंड पे आएगा स्टेटमेंट टू और इस तरह आप टू स्टेटमेंट एन तक आपकी जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो सारी की सारी जो इस कंडीशन का हिस्सा होंगी वो सारी की सारी इसी ही ब्लॉक के अंदर आएंगी तो अब देखें इस कंडीशन का हम ऑलरेडी जानते हैं या जो हमारे पास आंसर है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है यानी इसकी जो आउटपुट होती है इसका जो रिज़ल्ट होता है इस कंडीशन का वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है तो उसके ट्रू होने पे ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और उसके फॉल्स होने पे ये सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी स्किप हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं तो नेस्टेड इफ़ की बात की जाए तो बेटा नेस्टेड इफ़ में क्या है इफ़ विद ना इफ़ यानी हम अगर नेस्टेड इफ़ की बात करें तो इफ़ इन इफ़ स्टेटमेंट तो कैसे इसका अगर सेंटेक्स देखें तो हमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी इफ़ कंडीशन यानी एक इफ़ के अंदर जब आप दूसरी इफ को लिख देते हैं इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह आप देखें सिंगल स्टेटमेंट होगी तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे अगर हमारी मल्टीपल स्टेटमेंट होंगी तो हम यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे अब देखें कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने दूसरी इफ स्टेटमेंट लिख दी इससे होगा क्या कि पहले ये कंडीशन चेक होगी अगर ये ट्रू हुई यानी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए दो कंडीशन से गुजरना पड़ेगा यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपके वालिद कहते हैं कि बेटा अगर आप पास हो गए तो मैं आपको ना बाइक लेके दूंगा लेकिन साथ में दूसरी शर्त भी रख देते हैं कि आप पास भी होंगे और 75 परसेंट से अबव मार्क्स होंगे तो मैं आपको बाइक लेके दूंगा तो इसका मतलब है उन्होंने दो कंडीशन रखी हैं पहली कंडीशन क्या है पास होना दूसरी कंडीशन क्या है सेवेंटी फाइव परसेंट मास होना या चलें ऐसा हो सकता है कि दो इस तरह की कंडीशन हो के फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम जस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट वाली कंडीशन बना दें तो उसमें पास भी चेक हो जाएगा और सेवेंटी फाइव परसेंट भी तो हो सकता है ऐसी कंडीशन हो क्या आपके वालिद कहें कि अच्छा बेटा आपके जो Uh, एक तो आपने सेवेंटी फाइव परसेंट मार्स जो हैं अपव लेने हैं और दूसरी शर्त यह है कि आपके मैथ में से फुल मार्क्स होने चाहिए हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड अब देखें दो शर्त होंगी एक यहाँ पे आपके मार्क्स क्या होने चाहिए सेवेंटी फाइव परसेंट से ज़्यादा होने चाहिए यानी परसेंटेज और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मैथ में से 100 हंड्रेड आउट ऑफ वन होने चाहिए तो इसका मतलब है दो कंडीशंस आप पूरी करेंगे तो फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा बाइक मिलेगा यानी आपके वालद ने वो जो बाइक वाली स्टेटमेंट कही है वो पूरी करेंगे तो दो कंडीशंस का पूरा होना है तो इस तरह अगर हमने दो कंडीशन को पूरा करना हो तो फिर हम क्या करते हैं इस तरह Uh, हम स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ के साथ लिख सकते हैं या बाद में हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कैसे लिखते हैं तो हम ऐसे कंडीशन लिखेंगे फिर ये चेक होगी ये ट्रू हो गई यानी ये फॉर एग्जांपल सेवेंटी फाइव परसेंट यहाँ पर मास चेक हुए सेवेंटी फाइव परसेंट और यहाँ पे चेक फिर होगा कि मैथ में से हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड हैं तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो अभी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए ऊपर वाली दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है तभी ये स्टेटमेंट क्या होगी एग्जीक्यूट होगी तो इस तरह इफ काम करती है लेकिन याद रखिएगा इफ को ऐसे भी लिखा जा सकता है ऐसे भी लिखा जा सकता है इफ़ कंडीशन इफ कंडीशन और यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट को लिख दें तो ये भी सेम उसी तरह ही हमारे पास जो है वो नेस्टेड इफ़ कंडीशन है इसमें कोई एरर नहीं आएगा कि हमने ब्लॉक नहीं बनाया ब्लॉक बनाने का बनाना ज़रूरी नहीं है ये इफ कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये इफ़ कंडीशन चेक होगी जब ये भी ट्रू हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी अदरवाइज ये स्टेटमेंट चाहे ये फॉल्स हो चाहे ये फॉल्स हो इनमें से कोई एक भी फॉल्स हुई तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी ये इसका सेंटेक्स कुछ ऐसे भी हो सकता है इफ कंडीशन और उसके बाद इफ कंडीशन अगर जो इनर इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हैं तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू तो इस तरह हम मल्टीपल स्टेटमेंट को लिखेंगे तो हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट को विदाउट ब्लॉक लिखा क्योंकि सॉरी uh, ये रही ऊपर वाली जो इफ कंडीशन है उसको हमने विद विदाउट ब्लॉक लिखा बेटा ये रही इफ कंडीशन को हमने कोई ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर जस्ट एक इफ ही आ रही है यानी जो हमने इनर इफ़ लिखी है वही स्टेटमेंट इसके अंदर आ रही है तो इस इफ कंडीशन के अंदर हमने कोई ब्लॉक नहीं बनाया लेकिन इस इफ कंडीशन के लिए मल्टीपल स्टेटमेंट थी तो हमने ब्लॉक बना दिया है अब देखें ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये कंडीशन चेक होगी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट चलेंगी अदरवाइज क्या होगा इनमें से कोई भी फॉल्स होती है तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी एग्जीक्यूट होंगी याद रखियेगा हम कुछ इस तरह भी इसको लिख सकते हैं अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो इसको भी आपने गलत नहीं मानना ये भी क्या होगा ठीक ही होगा कि ऊपर वाली इफ कंडीशन का भी ब्लॉक है और नीचे वाली कंडीशन का भी ब्लॉक है तो ये तब भी ट्रू होगा और तब भी ये क्या है नेस्टेड इफ ही, ही है क्योंकि इफ विद न, इफ ये हमारी आउटर ऋफ है और ये इनर इफ है ठीक है तो आउटर इफ पहले चेक होगी ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ये आगे जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहीं से बाहर चला जाएगा यानी स्किप कर देगा अगर ये ट्रू होती है तो फिर ये कंडीशन चेक होगी ये कंडीशन जैसे ही फिर चेक हुई ये ट्रू या फॉल्स हुई तो फिर उसके बाद क्या हुआ अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेंगी अदरवाइज फॉल्स हुआ तो स्किप कर जाएगा एक और बात याद रखिएगा आप इस इफ के साथ क्या कर सकते हैं इन इफ के साथ मल्टीपल यानी सॉरी इसी नेस्टेड इफ के साथ ये हो सकता है कि आउटर इफ के साथ आपकी कुछ और स्टेटमेंट भी हो तो उसके लिए आपका ब्लॉक होना जरूरी होगा यानी अगर आपने यहाँ पे इस इफ के साथ कुछ स्टेटमेंट और ऐड करनी है स्टेटमेंट टू कर दें ये थ्री दें अब देखें कि इस इफ कंडीशन के अंदर एक तो इनर इफ स्टेटमेंट है फिर उसके बाद स्टेटमेंट टू भी इसका हिस्सा है और स्टेटमेंट थ्री भी इसका हिस्सा है अब इसकी वर्किंग ज़रा देखिएगा कि कैसे होगी याद रखिएगा इस इफ कंडीशन को चेक किया जाएगा अगर ये इफ कंडीशन क्या हो जाती है फॉल्स हो जाती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा कुछ क्या हो जाएगा स्किप हो जाएगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है ट्रू हो जाती है तो फिर क्या होगा कि इस इफ़ कंडीशन को चेक किया जाएगा अगर तो ये इफ़ कंडीशन क्या हो जाती है ट्रू हो जाती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी स्टेटमेंट क्या होंगी एग्जीक्यूट होंगी यानी इनर इफ वाली भी एग्जीक्यूट होंगी और ये ये वाली स्टेटमेंट जो आउटर इफ़ का हिस्सा है ये भी एग्जीक्यूट होंगी अब देखें ये फॉल्स भी तो हो सकती है तो ये जैसे ही फॉल्स हुई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किप होगा क्योंकि इनर इफ की जो स्टेटमेंट ये वाला हिस्सा जो है उसके अंडर आता है तो ये वाली इसके फॉल्स होने पे स्किप हो जाएंगी ये जो स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री है ये हमारी किसका हिस्सा है आउटर इफ़ कंडीशन का हिस्सा है तो आउटर इफ कंडीशन का हिस्सा होने की वजह से ये आउटर स्टेटमेंट है यानी आउटर इफ स्टेटमेंट है तो इसलिए ये क्या होंगी ये एग्जीक्यूट होंगी ये क्या होंगी एग्जीक्यूट होंगी क्योंकि आउटर इफ तो ट्रू थी तो ये उसके साथ जुड़ी है तो ये क्या होंगी एग्जीक्यूट होंगी लेकिन क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली क्या हो जाएंगी स्किप हो जाएंगी तो इन सारे पॉइंट्स को आपने क्या करना है याद रखना है इसी तरह हम इसको एक और तरह से देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसे लिखा हो कि यहाँ ये ब्लॉक ना हो और ये कुछ ऐसे लिखा हो अगर आप गलती से लिख देते हैं या किसी ने गलती से लिखा हुआ है तो आप देखें ये स्टेटमेंट चाहे हमने यहाँ पे आ, यानी प्रोग्राम कुछ ऐसा हो कि हमें इस कंडीशन का हिस्सा बनानी थी ये स्टेटमेंट लेकिन अगर हम ब्लॉक लगाना यहाँ पे भूल गए हैं तो ये इस कंडीशन का हिस्सा नहीं होंगी ये स्टेटमेंट किसी भी इस तरह से कंडीशन का हिस्सा नहीं है बल्कि ये कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो ये दोनों में क्या होंगी एग्जीक्यूट होंगी इसी तरह ये कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो इनको फर्क नहीं पड़ता ये क्या होंगी एग्जीक्यूट होंगी यानी इनके बाद नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन होगी वो इनकी होगी इन दो स्टेटमेंट की क्योंकि ये किसी भी उस इफ कंडीशन का हिस्सा नहीं है इनको अगर इफ़ कंडीशन आउटर इफ कंडीशन का हिस्सा बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ना है ब्लॉक और ब्लॉक कैसे बनाते हैं जस्ट हम ब्रैकेट्स लगाकर इसको उसके अंडर कर देते हैं तो अब देखें अब ये इस कंडीशन के अंडर आ चुकी हैं इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये एग्जीक्यूट होंगी इस कंडीशन के फॉल्स होने पे ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी स्किप हो जाएंगी तो इस सारे को बेहतर समझने के लिए आपने साथ साथ पेज के ऊपर लिख लेना है और फिर खुद से कंपैरिजन करना है जितने भी मैंने तरीक़ाकार बताए हैं उनमें फ़र्क क्या है और हर एक में कैसे काम हो रहा है और फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है इनको यानी बार बार लिखना है ताकि आपको ये सेंटेक्स याद हो जाए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी एग्जांपल्स बताता हूँ कि किस तरह हम प्रोग्राम इसके अंदर लिखेंगे तो बाकायदा एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़